सब क्या है? सुन, बाबूजी को जाके उठा, समझा? तू उन्हें उठाएगा ना तो मैं उनकी परेशानी दूर कर दूंगा। हम अगर बाबूजी को उठा लेंगे तो आप उनकी परेशानी दूर कर देंगे? हाँ कर दूंगा। तो वो आप हम बाबूजी को उठा देंगे? हाँ उठाएंगे, बोलिए। हम बाबूजी को उठाएंगे तो आप उनकी परेशानी दूर कर देंगे? हाँ कर दूंगा, अब जा उठा। सच्ची कसम से? हमारी कसम? हाँ हाँ तेरी कसम, जा। अच्छा एक मिनट, कट कीजिए। चिड़ियाघर टूटने वाला है, कौन है, कौन आया है चिड़ियाघर को तोड़ने के लिए? अब देखो, जो आया है वो बंदा नगर निगम का बंदा है, तो उसको बोल तो नहीं सकते कि भाई तोड़ो मत। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनाने का सोचा है 60 फीट लंबा, तो हमारा जो चिड़ियाघर है वो रास्ते में आ रहा है। तो नगर निगम का ये कहना है कि भाई आधा चिड़ियाघर या तो हो सके तो ऑलमोस्ट पूरा चिड़ियाघर तोड़ना है और यहाँ से हाईवे निकलेगा। सो एक बहुत बड़ी परेशानी है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अगर हम चिड़ियाघर को बचा सकें, लेकिन अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कब भी आपकी मस्ती, आपकी वो नोकझोंक चिड़ियाघर टूट जाने के बाद क्या वही रहेगी? ये तो खत्म हो जाएगी। क्या अभी तो मस्ती का तो हम सोच ही नहीं आए, हम घर बचाने का सोच रहे हैं कि हमारा घर कैसे बचे। मस्ती बाद में, पहले हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा घर ना टूटे, कि कोई नहीं चाहेगा कि हमारा घर टूटे, तो बात की बात होती है। किस प्रकार की सावधानी? हमारा परिवार अलग ना हो, ये अलग ना हो कि फिर हम टूट जाएंगे, हमारा घर ही नहीं हम सब टूट जाएंगे, तो उसमें हर चीज टूट जाएगी। घर जो है वो हमारी माँ ने उसकी नींव रखी थी, चिड़िया माँ, तो ये घर के साथ हमारा इमोशनल नाता रहा है। और यहाँ पे हमने जो भी पल बिताए हैं साथ में फैमिली ने, पूरे एक भी पल ऐसा नहीं है जिसे हम कह सके कि हमें याद नहीं आएगा। अगर चिड़ियाघर टूटा और अगर हमें कहीं और जाना पड़ा तो इमोशनली तो हम सब टूट ही जाएंगे, बट यादें इतनी रहेंगी चिड़ियाघर की कि शायद वो हमें जिंदगी भर हम उसे भूल नहीं पाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे हम इस चिड़ियाघर को याद करते रहेंगे। अगर आपकी बात करें तो आप किस प्रकार से मिस करेंगे अगर चिड़ियाघर? चिड़ियाघर तो मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर चिड़ियाघर का कुछ हिस्से कट जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ मिसिंग हो सकती है, कि बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी, मेरा पानी में गिरना, फिर तख्त के नीचे सोना, मेंढक पंथी, भैया के ऊपर पानी डालना, सब नहीं हो पाएगा फिर चिड़ियाघर अगर नहीं रहेगा तो। बाबूजी का क्या रिएक्शन है इस चीज़ में अगर घर टूट रहा है? देखिए, अभी तो नगर निगम का नोटिस आया है, ये उसमें लिखा है कि भाई आपका चिड़ियाघर टूटेगा। हम सब कोशिश में लगे हैं कि चिड़ियाघर ना टूटे, तो उसके लिए लोगों से मिल रहे हैं, मंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए बस ये चिड़ियाघर बच जाए, उसके लिए बाबूजी सहित सभी भाई भाभियां सभी लगी हुई हैं कि भाई कहीं से झोल करें, कुछ जाके लोगों को रिक्वेस्ट करें कि भाई एटलीस्ट चिड़ियाघर को बख्श दो। लेकिन अगर देश की प्रगति में अगर ये बाधा बनता है चिड़ियाघर, या देश की प्रगति के लिए अगर चिड़ियाघर का बलिदान देना है, तो मुझे लगता है कि बाबूजी चिड़ियाघर का बलिदान देंगे। बाबूजी इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। बाबूजी का हर मतलब कोई भी कुछ अगर होता है तो बाबूजी का कुछ कहावत पे डिपेंड होता है, कौन सी कहावत है जिससे रिलेटेड है ये? हम कहावत है सत्य ही ईश्वर है। ये कहानी, ये जो कहावत है वो 30 साल पहले जब बाबूजी ने हमको पढ़ाना शुरू किया था, मुझे और गोमुख को, तब सबसे पहली सीख यही थी, सत्य ही ईश्वर है। और आज हमारी इस पाठशाला को 30 साल पूरे हुए हैं, तो बाबूजी ने कहा कि आज भी वही सबक मैं आपको सिखाऊंगा, और हमने तो सीख लिया है, अब हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि सत्य ही ईश्वर है।
सत्य के सामने मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं है। उनके लिए अहम बात यह है कि सच बोला जाए और सच का साथ दिया जाए। कपी, आप कितना मिस करने वाले हो इस पाठ साला को? जो कुछ भी सीखा वो बाबूजी से सीखा है, अब सीख रहे हैं, आई होप सीखते रहेंगे। जो भी हमारे मुहावरे होते हैं उनमें काफी सीख होती है, हमारे लिए होती है, ऑडियंस के लिए होती है। और मिस करने में वाली बात है कि हमारा रिश्ता एक जो है रिश्ता ना टूटे, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो घर से होते हैं, जिस प्यार से घर बनाया गया है। अगर वो घर टूटता है तो आई थिंक जो हमारा अतीत याद आता है, जब हम मस्ती छत पे जाकर मस्ती, बिल्कुल वो भी मेरा एक अतिथि होगा, क्योंकि जो गुजर गया उसे अतिथि कहते हैं। देखिए, हम जो मस्ती करते हैं या जो हम एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं वो प्यार कम नहीं होने वाला। होगा क्या कि हम सिर्फ चिड़ियाघर को मिस करेंगे, क्योंकि चिड़ियाघर में हम रहते थे। चिड़िया अम्मा का ये सपना था कि हम सब साथ में रहे और हम चिड़ियाघर में रहते थे, वो मिस करेंगे। हमारी मस्ती मिस नहीं होने वाली है, हमारा एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं होने वाला है, और ना ही पाठशाला में पढ़ाई बंद होने वाली होगी। बाबूजी जहाँ पे भी होगा एक ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, वो ब्लैक बोर्ड हमारे संस्कार वही रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। जिंदगी शायद वैसे ही चलती रहेगी जैसे चलती है, लेकिन हाँ, चिड़ियाघर हमारे शरीर का एक अंग ऐसा लगेगा कि जैसे कोई काट के लेकर गया है, वो शायद उसकी भरपाई शायद ना हो। लेकिन मस्ती प्यार और पढ़ाई करते रहेंगे, सिखाई वो सब रहेगा। अगर आपकी बात करें तो आप इस घर का मेंबर नहीं है, आप आए हुए हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा नहीं बाबूजी का प्यार आपके मुख और गोटा का प्यार ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पे घर का एक मेंबर नहीं, बहुत अच्छे मेंबर है, तो आप कितना मिस करने वाले की तरफ? आप साथ में ही रहेंगे, बट चिड़ियाघर में रहने की बात एक अलग थी। नहीं, हमारे बाबूजी ने कहा था कि तू ना इन सबसे अलग नहीं है, तू हमारा ही लड़का है, कभी डरना नहीं। जितना प्यार गोटक भैया, गोमुख भैया, गदा भैया, नहीं कपी भैया को है ना, उतना ही प्यार हमें भी देते। हमारे बाबूजी ना दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हैं। वो कभी ना वो क्या कहते भैया उसे, किसे वो दो आँख कभी नहीं करते हमारे बाबूजी। हमें पता है हमारे बाबूजी ना हमसे बहुत प्यार करते सर। बाबूजी हम नहीं करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते। अरे हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। होशियार है, बहुत होशियार है। बाबूजी का लाडला है ना, बाबूजी की तारीफ करेगा, हमारी नहीं करेगा। हम नहीं प्यार करते तुझसे। सॉरी। हाँ, थैंक यू।